थे कि पुताओ को दे दे के बेटी दे रही थी चैन, तो गाइस वो बस एक मजाक था, प्रैंक था आप लोग से। मम्मी हमको 1.5 लाख का चैन नहीं दे रही है क्या मम्मी? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस डी डॉट मी टू। तो आज के ब्लॉग में बहुत होने वाला है खास, क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं मम्मी का ज्वेलरी आप लोगों को, कि मम्मी के पास कितना बचा है सबको, बेटी को, पुतों को, पोती को शादी में या फिर फंक्शन में किसको क्या कितना गिफ्ट दिया, और अब मम्मी के पास कितना ज्वेलरी बचा है। तो चलो आप लोग ब्लॉग में पूरा एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि मम्मी के पास अभी फिलहाल क्या क्या है। और उसके बाद अभी सिल्वर का नहीं दिखाएंगे, सिर्फ गोल्ड का दिखाएंगे, फिर सिल्वर का नेक्स्ट में दिखाएंगे सॉरी। और कुछ कुछ ज्वेलरी बहुत अंदर तक रखा हुआ है, तो वो भी शायद सामने होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो जितना भी पास में होगा वो दिखाएंगे, या फिर जितना होगा मम्मी को कह सकते उतना दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं, अभी मम्मी क्या काम करी साथ फटक रही है तो वो दिखाते हैं। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पे मेरी दोस्त जो दी थी, मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है और ये अच्छा लग रहा है, बट ये यहाँ पे थोड़े सही ठीक नहीं लग रहा, तो हम इसको लगाएंगे यहाँ पे, शेड कर देंगे मस्त सा। ओ इधर पापा क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? मम्मी आएगी तो उधर तो ओम का है, ओमा आएगा तो बताएगा, उधर थोड़ी रखता है, यहाँ पे तो सिर्फ पढ़ने वाला रखता है। पढ़ने का टेबल भी कितना गंदा रखा है। ये देखो मम्मी तो बन गई गांव वाली बहू, यहाँ फटक रही है। इधर भैया से बात हो रहा है मम्मी का, तू बोले 11 बजे 12 बजे 11:30 बजे आई दे। सो गाइस चलो दिखाते हैं आज मम्मी का ज्वेलरी है आपको, आपको आएगा बहुत मजा देखने कि मम्मी के पास कितना कितना सोना है क्या मम्मी। तो ये साड़ी मिला है, पहले मैं ये साड़ी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये साड़ी मिला है इंदू दी की तरफ से, जहां हम लोग शादी में गए थे ना हम दीदी सब, तो वहां के तरफ से है। तो ये साड़ी मैं खोल के आराम से बाद में दिखाऊंगी, पहले ज्वेलरी दिखाती हूँ। तो चलो मम्मी दिखाएगी, तो ये रहा मम्मी का ज्वेलरी सब। मम्मी बस बस इतना ही ज्वेलरी है, तो चलो एक एक करके मम्मी दिखाओ, चैन दिखाओ पहले, चैन जो मम्मी का चैन अच्छा लगता है, मस्त मोटा सा भारी सा है। ये देखो गाइस, ये रहा मम्मी का चैन, लगता है अच्छा लगता है ये चैन। और ये कान वाला भी मम्मी क्या किया ना, मैचिंग ही बनाई है। ये भी खोल के दिखा देना, ऐसे खुले ओ ऐसे करके। ये गाइस ताना है, पता है जो कि मम्मी को देखे होंगे पहनते हैं, तो ये कान वाला ताना है। और ये क्या है, और ये है मम्मी का जितिया, ये वाला जितिया है भैया का, और ये वाला है मेरा दीदी, देख सकते हैं इसमें तीन बना हुआ है। जब हम छोटे थे तब बहुत बोलते थे मेरा चांदी का बनाई है, मम्मी को बोलते थे चांदी का बनाई, तो इसीलिए मम्मी इसका भी सोना बना दी। और ये तो इकलौता भैया है ही। और ये एक अंगूठी हो गया मम्मी का, ये अंगूठी हो गया बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, छल्ला टाइप का अंगूठी है। बस इतना ही जेवर फिलहाल मम्मी के पास है, बहुत ही कम है, क्योंकि और जेवर मम्मी क्या किए शादी वादी में दी है सबको, मायरा सबको दी है, हमको दी है, सबको दी है कुछ कुछ, तो फिलहाल मम्मी के पास अभी इतना ही है। और हम बोलते हैं मम्मी धीरे धीरे, मम्मी के पास कंगन भी है, रुको हम ले कर आते हैं। और एक को ये भी है जो कि इस तरह है, हम सेम टू सेम मम्मी का देख के ही हम भी बनवाए थे वही ज्वेलरी, जबकि देखे थे हम मम्मी के पास गए थे तो बनाए थे। और गाइस आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि पुताओ को ले दे के बेटी दे रही थी चैन, तो गाइस वो बस एक मजाक था, प्रैंक था आप लोग से, मम्मी हमको 1.5 लाख का चैन नहीं दे रही है क्या मम्मी? मेरे पास सच बताए तो मेरे पास कोई चैन नहीं है, मेरे यहाँ शादी में भी चैन हमको नहीं पड़ा था, और मेरे पास चैन है भी नहीं है, पतला सा चैन हम बनाए थे खुद जब मेरे YouTube के पैसे आए थे, तब वो भी छोटा सा आया, तो उसको चैन ना तुम चैन कहाँ दी हमको? कृष्ण भगवान के साथ, कृष्ण लॉकेट दी, हाँ मम्मी हमको लॉकेट दी है जब हम चैन बनवाए थे, जब हम चैन बनाए थे छोटा सा, तो तुम लॉकेट दी थी ना उसमें कृष्ण भगवान का, तो कृष्ण भगवान का मम्मी लॉकेट दे दी थी, जो कि हम बहुत बार वीडियो में पहनते भी है।
और ये वाला मम्मी का था तो सेम इसी तरह देख के हम भी बनाए थे। अब वो चेन हम लोग ऐसे ही देख रहे थे कि अभी बनाएंगे तो कितना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि मम्मी हमको दे रही थी गाइस। तो ऐसे भी ये सोना बाद में अपनी बहू को ही मिलने वाला है, हालांकि कुछ कुछ सोना मम्मी सबको ऐसे भी दे चुकी है, तो ये सब अब तो कौन लेगा वही लेगा। एक ही बहू को मिलेगा, फिर बाकी पोती को मिलेगा, है कि नहीं मम्मी? ये जीतिया किसको देगी? इसको ये तो हमको ही दे देना मम्मी। ये बेटा वाला नहीं देना, नहीं बेटी वाला ये तो ले। हाँ ये भाभी लेगी ये वाला जो दे सकते हैं ऐसे बना हुआ है, और ये हम लेंगे क्योंकि हम जिद करके बनाए थे। ये सब निशानी है तो अच्छा लगता है ये सब रखने में। ये भैया, ये हम और भैया बहुत लड़ते रहते थे ये सब चीज़ के लिए। और ये हो गया बस मम्मी का। अब चलो साड़ी दिखाते हैं। मम्मी ऐसे भी बहुत कम ज्वेलरी करती है, पहले तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी सब लोग को शौक रहता है, फिर थोड़ा एज होते होते सोचता है कि थोड़ा कम कर दे, तो इसलिए ये हो गया मम्मी सबका। चलो मम्मी सबका यही हो गया, अब दिखाते हैं साड़ी। चलो खोलते हैं धीरे धीरे तुम भी। तो यहाँ पे सावन आज ही घुस गया मम्मी, तो तुम्हारा रखा ले पहन ली तो कब परसों परसों ही मम्मी पहनी, अभी हम भी पहनेंगे जाएंगे मार्केट तो चूड़ी लाएंगे हरा हरा। तो मम्मी तो शादी में नहीं जा पाई क्योंकि दादी बीमार थी, लेकिन मम्मी का भी साड़ी मिला है, तो आप देख सकते हैं ये है मम्मी का साड़ी, बहुत अच्छा रहा। एक कौन सा साड़ी है इसको क्या बोलता है मम्मी? तात का साड़ी है, और कलर भी कितना अच्छा दी है, ब्लू एंड ग्रीन, जो कि सावन आ रहा है उसमें भी काम आएगा और मेहंदी में भी काम आएगा भैया की शादी में। इंदुदी का पसंद बहुत ही अच्छा रहता है वैसे भी, तो ये मम्मी की तरफ से मम्मी को मिला है इंदुदी की तरफ से उनकी सिस्टर की जब शादी हुई। तो पहला साड़ी कौन निकल रहा है? ये साड़ी एक ये है, तो ये सब साड़ी का डिज़ाइन सेम है, कलर अलग अलग है, तो ये चीज़ अच्छा है। तो एक साड़ी ये हो गया, और एक और निकालो माँ। और एक मैंने कहा ना कि सारे सेम ही हैं, तो देखो ये ब्लू है, ये आसमानी है, और एक और है ये देखो, ये कौन कलर है मम्मी? जामुनी कलर, पर्पल। तो ये साड़ी तो शादी में शायद पहन के दीदी गई ही थी, बड़ी दीदी, तो ये पूनम दी तो नहीं लेगी, और मेरे पास शायद ब्यूटी जो मेरी ननद गई थी कि साड़ी पहन के गई, हाँ एक कलर का साड़ी पहन के गई थी, और मेरी ननद का जो शादी हुआ था मेरे को उसके तरफ से यही कलर का साड़ी मिला था, जो कि हम अभी तक सिलवाई भी नहीं है, तो ये भी मेरे पास भी है, तो शायद ये पिंकी दी का जाएगा, फिर मैं ये ले लूँगी, फिर ये दीदी ले लेगी, तीनों को क्या, ये मम्मी का सबसे अच्छा, लेकिन मम्मी का ही लगा हमको। और इसमें जीजा जी का भी कपड़ा है, ये भगवान बेचारी जीजा जी को भी दे दी, क्योंकि दोनों जीजा जी गए थे इसलिए दोनों जीजा जी का ही गए थे। तो दीदी क्या है कि इंदु तो बिल्कुल हम लोग के घर की जैसी है, और कह सकते हैं एक और बड़ी बहन है। तो ये रहा इतना ज़्यादा गिफ्ट, मम्मी का ज्वेलरी एंड साड़ी गिफ्ट, तो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा कलर? इसमें ब्लू भी अच्छा लग रहा, आसमानी भी अच्छा लग रहा, ये भी अच्छा लग रहा। और ये देखो गाइस, ये मम्मी का ज्वेलरी हो गया, चारी के पास बहुत कम है, सब हम लोग ले लिए लगता है क्या माँ? हाँ सबका मम्मी शादी ब्याह में खर्चा। और मम्मी का एक अंगूठी था बहुत अच्छा लगता था, मम्मी उसको पहनती थी। वो मम्मी कब दी थी तुम पोती को? जब मायरा फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, घर कदम रखी थी इस घर में, तो मम्मी मुंह दिखाई में वो अंगूठी दी थी। मम्मी उसको नहीं पहनती है, बोलते पहन लो, लेकिन बोलती नहीं पोती ही पहनेगी वो, तो चलो अच्छा है, जब बड़ी होगी तो वो निशानी के तौर पे यूज़ करेगी, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज का ब्लॉग अच्छा किसका? उसका। हाँ ये तो बस ऐसे सिंपल छल्ला सा है, लेकिन मम्मी जो वो वाला दी थी वो डिज़ाइन हमको बहुत अच्छा लगा, चौड़ा टाइप का है ना मम्मी, चौड़ा डिज़ाइन का, थोड़ा सा पहनी हुई है, उसका हाथ में तो नहीं होता, लेकिन मम्मी इसको अपनी निशानी देना अलग होता है। हमको मम्मी निशानी दी है नानी का, हमको बहुत पसंद है वो कान वाला, जब भी कोई भारी भरकम पार्टी होगा तब उसको पहनेंगे, कि थोड़ा हैवी टाइप का है इसीलिए। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय मम्मी। अरे एक बात तो बताने भूल गए गाइस, मम्मी ना, मम्मी 12:30 बजे उठ के सैड हो गई पोती का याद में।
सच में गाइस, उधर सच में मम्मी फोन की सुबह तो बोली क्या पोती रो रही थी, तो चलो जल्द जल्दी पोती यहाँ पे आ जाए, मम्मी मिल ले। ओके गाइस, बाय बाय।